तीन और नए मेंबर आए हैं बोर्ड के, वो तो ऐसे मेंबर हैं जो पिछले 6 महीने में आए हैं बोर्ड पर। तो हमारी एजुकेशन के लिए बोर्ड वालों ने काफ़ी सवाल वगैरह किए मैनेजमेंट के, समझने के लिए कि क्या सूरत हाल है बोर्ड का। तो उसमें कुछ लंबा टाइम लग गया एंड आई एम वेरी सॉरी कि आप लोगों को इतना इंतज़ार करना पड़ा, बट आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पेशेंटली बैठे हुए हैं। आई होप आपको पीसी भी वालों ने एटलीस्ट चाय की प्याली तो बना ली होगी। देखिए आज मेरा इफेक्टिवली पहला दिन है, मैं आपको अपनी प्रायोरिटीज बता सकता हूँ कि क्या है। जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि हम अपना डोमेस्टिक क्रिकेट को तकड़ा करें, खिलाड़ी वहाँ से आते हैं। ग्रास रूट क्रिकेट से शुरू करना है हम लोगों ने, स्कूल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर इंशाल्लाह रीजन्स होंगे। जो हमारे सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट को वो हैं हमारे डिपार्टमेंट्स। तो जो कुछ हम करेंगे उनको साथ लेके चलेंगे, उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें होना बहुत ज़रूरी है। वो सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स हैं हमारे प्लेयर्स के, वो हमारे प्लेयर्स हर एक अदारा कोई अगर आप देख लें अक्रॉस पाकिस्तान, वो मेजर एम्प्लॉयर्स हैं क्रिकेटर्स के पाकिस्तान में, वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो आप फॉर अ मिनट मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये भूल जाएं कि एसोसिएशंस और डिपार्टमेंट्स, आप रीजन्स का सोचें कि एक रीजन किस तरह चलेगा। उम्मीद है कि पेट्रन ने ऑलरेडी इसको बात की थी क्रिकेट पर बड़ी ओपनली कि वो चाहते हैं कि ये हम ऑस्ट्रेलियन मॉडल अडॉप्ट करें। मेरे ख्याल में कि हमें एक पाकिस्तानी मॉडल ईजाद करना पड़ेगा क्योंकि हमारे सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं और मुल्कों के डिफरेंट हैं, मगर जो उनका प्रिंसिपल है कि कम टीमें हुई जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें मगर वो इतनी तकड़ी हों कि जो पाकिस्तान टीम जो 16 से 18 खिलाड़ी होते हैं उनके लिए एक बैकअप हो जो सिस्टम खुद प्रोड्यूस करेगा इंशाल्लाह अगर हमारा सिस्टम ठीक हुआ। ये ओवरनाइट नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, इसमें बाकायदा कंसल्टेशंस होंगी सब स्टेक होल्डर से, और स्टेक होल्डर में फॉर्मर क्रिकेटर्स भी हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, एसोसिएशन हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन सब से बात करके सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए हम एक पहले शुरू ये करेंगे कि एक मैनेजमेंट टास्क फोर्स बना रहे हैं जिसमें 2 बोर्ड के मेंबर भी शामिल होंगे कि वो इनको गाइड करें और जो इश्यूज हैं वो पहले इश्यूज आइडेंटिफाई करें कि क्या हैं, उसके बाद इसको हम लोग ले जाएंगे फॉर फर्दर कंसल्टेशन विद द अदर स्टेक होल्डर्स, जो हमारे और दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मशवरा करेंगे, उनकी एडवाइस लेंगे, उनकी बात सुनेंगे। मगर मकसद है कि पाकिस्तान क्रिकेट को तकड़ा करना। इसके साथ बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, हमारे स्टेडियम्स का बुरा हाल है। मैं नहीं समझता कि ये क्रिकेट बोर्ड का काम है कि हम लोग स्टेडियम्स चलाएं, हमें अपने एसोसिएशन रीजन्स को एम्पावर करना है कि रीजन्स क्रिकेट चलाएं अपने रीजन में, वो ग्राउंड्स चलाएं, उनको रिसोर्सेज उनके जनरेट हो, उनके पास पैसा हो कि वो अपने रीजन में क्रिकेट डेवलप करें। सेंट्रली ये चीज़ें नहीं हो सकती, किसी दुनिया में किसी मुल्क में सेंट्रली नहीं क्रिकेट चलता। डेलीगेशन ऑफ पावर, एम्पावरमेंट, अकाउंटेबिलिटी, ये बड़ी ज़रूरी बातें हैं। तो अगर हमारा स्ट्रक्चर सही होगा तो हमारा क्रिकेट ठीक होगा। अगर आप देखें दुनिया में कहीं देख लें जो आपके सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग टीम्स हैं कंसिस्टेंटली, वो हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया पर्टिकुलरली, न्यूजीलैंड कितना ऊपर आ गया है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। इंडिया क्योंकि उनकी सुप्रीम कोर्ट अब आ गई है बीच में, उन्होंने इंसिस्ट किया कि गुड गवर्नेंस हो, जहाँ बोर्ड्स की गवर्नेंस अच्छी है उनकी टीम अच्छी है, क्योंकि बाहर के इंटरफेरेंस नहीं होते, कोई बाहर के प्रेशर नहीं होते, सिर्फ ये एक मकसद होता है कि प्रोफेशनल टीम रन ऑन प्रोफेशनल बेसिस बने। और इंशाल्लाह यहाँ भी कोई पूरी कोशिश होगी कि इसको
इतना प्रोफेशनलाइज कर दें कि सिस्टम चलता रहे, उसके बाद कोई चेयरमैन हो, कोई बोर्ड मेंबर्स हो, वो इन अ वे ज़रा उनकी इम्पोर्टेंस नीचे आ जाती है, क्रिकेट की इम्पोर्टेंस बढ़नी चाहिए, हमें क्रिकेट को बढ़ाना है। ये जो सारा हम लोग करते हैं, बोर्ड चलाते हैं, इसका मकसद होना चाहिए सिर्फ एक पर्पस है, खिलाड़ियों के लिए हम कर रहे हैं ये, और किसी और चीज़ के लिए नहीं कर रहे। जो करंट खिलाड़ी हैं उनको हम बैक करें, जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको सपोर्ट करें, और जो हमारे पुराने खिलाड़ी हैं उनके हम लोग उनसे फ़ायदा उठाएं उनके एक्सपीरियंसेस का। तो रिव्यू डोमेस्टिक क्रिकेट कोई ओवरनाइट में आपको बता नहीं सकता कि क्या होगा, पर इंशाल्लाह जो हमारा मकसद है कि पाकिस्तान क्रिकेट को एक नए लेवल पर ले जाना है, इसको आगे बढ़ाना, और इस पर कि दुनिया में कोई बोर्ड हम हमारे मुकाबले का ना हो, जो कुछ हम यहाँ कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में। मैं फिर कहता हूँ इसमें हमें डिपार्टमेंट्स की भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा और उनके साथ काम करना पड़ेगा। जो दूसरा मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पीसीबी के स्ट्रक्चर को दोबारा देखें। पीसीबी ओवर द ईयर्स बहुत बढ़ गया है तादाद में, कोई 900 एम्प्लॉयज़ हैं प्रॉबली, मुझे शक है कि दुनिया में इससे बड़ा कोई क्रिकेट बोर्ड होगा नहीं मैन पावर टर्म्स में। उसकी वजह ये कि काफ़ी कुछ सेंट्रलाइज हुआ है, तो इंशाल्लाह जैसे हम डेलीगेट करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे हम इस रीजन्स को एम्पावर करेंगे, तो सेंट्रल कंट्रोल भी कम होगा। हमें सिर्फ चेक्स एंड बैलेंसेस रखनी है कि पैसों की अकाउंटेबिलिटी हो, क्रिकेट क्वालिटी की अकाउंटेबिलिटी हो, कि यू नो कोई फेवरेटिज्म नहीं हो रही, और सपोर्ट में हम करें। तो जो पीसीबी का सारा स्टाफ ओवरहेड, ये हम सब रिव्यू करेंगे बड़ी क्रिटिकली। मैं ये आज ये नहीं कहना चाहता कि वो गलतियाँ हैं, कोई ठीक बातें हैं या नहीं, उसमें वो मुझे नहीं पता आज, मगर मैं आप लोगों को ये तसल्ली देता हूँ कि हर एक रुपया जो बोर्ड पर खर्च होता है वो क्रिकेट बोर्ड पर भी खर्च हो सकता है। तो जितने हम यहाँ पैसा बचाएंगे उतना क्रिकेट में डाल सकेंगे। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट है बड़ा क्लियर, कि हम अपने बोर्ड को देखें कि ये फिट फॉर पर्पस है या नहीं, जिस मकसद से बना गया था वो काम हम कर रहे हैं या नहीं। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, मगर क्योंकि हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे और बोर्ड को प्रोफेशनलाइज करेंगे, कि बोर्ड में वो लोग हों जो प्रोफेशनली, जैसे आपके ये प्राइवेट सेक्टर की कॉरपोरेशन होती हैं वो भी प्रोफेशनल्स को रखती है अपना काम को कारोबार चलाने के लिए, तो वो इंशाल्लाह करेंगे। जो मेरा एक और कंसर्न है कि जो इस बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है इस बोर्ड का, उसमें कुछ तब्दीलियाँ हमें लानी पड़ेंगी। आज जो चेयरमैन है, जो आज मैं इस ऑफिस में बैठा हूँ, वहाँ चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव एक हैं, ये किसी बोर्ड में नहीं है दुनिया में। चेयरमैन का काम होता है कि जो बोर्ड की पॉलिसीज हों, जो बोर्ड स्ट्रेटजीज बनाए, वो एग्जीक्यूटिव से इम्प्लीमेंट करवाए। एग्जीक्यूटिव और ख़ासतौर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है जो अपनी टीम सारे बोर्ड के मैनेजमेंट का इंचार्ज होता है। आज हमारा शायद जब ये बना था कॉन्स्टिट्यूशन कोई और सिचुएशन थी, मगर ये अगर आप कहीं भी देख लें गुड प्रैक्टिस में, ये दो फंक्शन अलग होने चाहिए। चेयरमैन मॉनिटर ज़रूर करेगा, चेक्स एंड बैलेंसेस रखेगा, मगर अगर चेयरमैन पॉलिसी भी बनाने में शामिल है और फिर उसको एक्सिक्यूट करने में, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खुद ही आ जाता है आपके सामने। तो इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे। इसी तरह अगर जो मैं आपके मिसाल के तौर से ये भी बताऊँ आपको कि अगर बोर्ड का कमेटी स्ट्रक्चर देखें, जो ऑडिट कमेटी में नॉमिनेटेड हुए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन आयन के मुताबिक, वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। हमारे सीएफओ फॉर एग्जांपल ऑडिट कमेटी के मेंबर हैं, उनका खुद ऑडिट होना है, तो वो यू नो, तो हमें ये इसको बिल्कुल प्रोफेशनलाइज करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा कि कोई गलत काम हो रहा है, मगर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है।
تو مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو اس طرح کریں کہ کوئی چیز بورڈ جو کرے گی اس میں بڑا کلیئر رسپانسبلٹیز ہوگی کہ بورڈ کا کہاں ختم ہوتا ہے کام اور مینجمنٹ کا کہاں شروع ہوتا ہے. اور جو چیئرمین ہے ٹھیک ہے میں ہوں جو آپ کہتے ہیں انگریزی میں کہ پبلک فیس آف دا بورڈ, مگر ایک ہمارے پاس بہت اچھا بورڈ ہے, بڑے ماشاء اللہ کوالیفائڈ لوگ ہیں اور انہیں پورا اس میں انوالو کریں گے اس پروسیس میں کہ وہ سب کنٹریبیوٹ کریں. اور یہ جو ہمارے جتنے بورڈ کے ممبرز ہیں یہ ایک اپنی کنسٹیچوئنسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہمیں اس کا بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. کئی بہت اچھے کام ہو رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے ان لیولز پر, اس میں ہمیں ان کو مدد کرنی ہے, ان کے ساتھ کام کرنا ہے کہ وہ کام زیادہ بڑھے. اور جو فائنل پوائنٹ ہے میرا کہ جو کچھ یہ بورڈ انشاءاللہ آج کے بعد کرے گا اس کی ٹرانسپیرنسی ہوگی اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. کوئی چیز انلیس کوئی بہت سینسیٹیو ہو یا پولیٹیکل ہو, جو سینسیٹیولی پولیٹیکل ہو, جس کا ہم لوگ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ذرا اس پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے, آپ سے کوئی چھپی نہیں ہوگی چیز, چاہے وہ بورڈ کے فائنینشیل اکاؤنٹس ہوں, چاہے بورڈ کی ورکنگس ہوں, ہر ایک میٹنگ اور میں وہ آپ کے سامنے ہوگا, صرف آپ لوگوں کے سامنے نہیں سب اسٹیک ہولڈرس کے. جو پاکستان کرکٹ کا سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے وہ عوام ہے ہمارا, وہ کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ آ کے میچز دیکھتے ہیں, وہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور اس سے بورڈ کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں, ہم لوگ ہم اکاؤنٹیبل ہوں. سب سے پہلے بورڈ کی اکاؤنٹیبلٹی چیئرمین سے شروع ہوتی ہے, اور میں آپ لوگوں کے ہمیشہ حاضر ہوں گا, اگر کسی کو کوئی کبھی فکر ہو کہ کسی چیز کی تو میں حاضر ہوں گا جواب دینے کے لیے. ایک اور چیز ہم یہ کریں گے کہ اپنے میڈیا ڈپارٹمنٹ کو پروفیشنلائز کریں گے کہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے کہ بورڈ میں کیا ہو رہا ہے, اور آپ کے پاس ایک سنگل سورس آف پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوگا پھر, کہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے کچھ پوچھنا ہے آپ نے, پہلے آپ ان سے پوچھیں گے, وہ آپ کو اگر جواب دے دے ویل اینڈ گڈ, اگر وہ ان کو آگے اس کو ایکسکلیٹ کرنا پڑے ادھر سی او کی طرف, سی او او کی طرف یا میری طرف, تو وہ کر کے آپ کو جواب ملے گا. مگر یہ ایڈ ہاک انٹرویوز وغیرہ آئے تھے اس سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو ڈفرینٹ سگنلز ملتے ہیں. تو کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو جو بورڈ کی پالیسی ہے وہ اسٹریم لائن کر کے آپ کو میسیج دیا جائیں, مگر آپ سے کوئی چیز چھپائی نہیں جائے گی. دیٹس دی امپورٹنٹ تھنگ, کہ ٹرانسپیرنسی ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو بس ابھی آج میرا پہلا دن ہے, مگر یہ میرا براڈ ایجنڈا یہ ہے کہ اس بورڈ کو ایسے ہم لوگ پروفیشنلائز کریں اور کرکٹ کی بنیاد اتنی تکڑی کریں کہ انشاءاللہ پاکستان ایک گریٹ کرکٹنگ نیشن بن سکے. تھینک یو. جی یعقوب, بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی یہ بالکل آئی اگری وتھ یو سر, آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. جی دیکھیں, یہ جو اگلا ایڈیشن ہو رہا ہے وچ از پی ایس ایل فور میرے خیال میں, ہاں اس میں کم سے کم 8 میچز ہوں گے پاکستان میں. یہ آلریڈی فرینچائزی سے کمٹمنٹ ہو چکی ہے, مگر ہمارا مقصد ہمیشہ ہوگا کہ اس کو بڑھاتے رہیں, ایونچولی انشاءاللہ جلدی سے جلدی سارے میچز پاکستان میں ہوں. اس کی ویلیو اصل میں اسی وقت ہی ہوگی جب سارے میچز پاکستان میں ہوں. پچھلے 3 سال میں چھوٹے چھوٹے قدم لیے گئے, مگر اس سے ایک کانفیڈنس بلڈنگ ہوئی ہے کھلاڑیوں کی.
अब ज्यादा कंफर्टेबल हो रहे हैं खिलाड़ी पाकिस्तान में आके खेलने के लिए हमेशा कोई ना कोई होगा जो हेजिटेट करेगा उसके अपनी तसल्ली के लिए वो शर्माना चाहे मगर हमारा फोकस यही होगा कि पाकिस्तान लाए क्रिकेट सारा पाकिस्तान को अपने सारे मैचेस इवेंचुअली पाकिस्तान में खेलने चाहिए मगर वो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि कल होगा या 5 साल बाद होगा कई टीम्स आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जांपल 1998 में भी जब कोई यहाँ हादसे नहीं हो रहे थे उन्होंने इंसिस्ट किया था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शारजा में दुबई में खेले मैचेस एक कोलंबो में भी हुआ था तो ये चीज़ें चैलेंजेस हैं हमारे मगर इसको हम लोग पहले रिकगनाइज़ करें कि ये हैं चैलेंजेस फिर उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि उसको ओवरकम करें जहाँ तक आपका पहला सवाल था कि मैं चाहता हूँ कि अगर आप देखें फॉर एग्जांपल क्रिकेट न्यूजीलैंड को या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को उसमें सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो क्रिकेट एसोसिएशन से भी उनका ताल्लुक नहीं है वो ये करते हैं कि वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें क्या स्किल्स चाहिए बोर्ड पर किस किस्म के लोग चाहिए हमें कमर्शियल लोग चाहिए हमें क्रिकेटर्स चाहिए हमें वकील चाहिए हमें फाइनेंस के लोग चाहिए और उसके मुताबिक उनका जो नॉमिनेशंस कमेटी होती है वो चुनती है लोगों को उसकी नॉमिनेशंस आती है क्रिकेट एसोसिएशन से बट क्रिकेट एसोसिएशन के खुद नुमाइंदे नहीं होते बोर्ड पर उसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है अगर आपका बोर्ड प्रोफेशनल हो तो फिर पेट्रन का सिर्फ हाथ होना चाहिए ऊपर लाइट टच जो कहते हैं कि अगर कोई बहुत सीरियस गड़बड़ हो तो उसने वो दखल दें मगर चेयरमैन को अपॉइंट करने में और उसके सक्सेसर को या उसको सिर्फ हटाने में क्योंकि पॉलिटिकल नई दूसरी पार्टी आ गई है मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ वो गलत बात है और इससे हमें अब आगे बढ़ना है जी नहीं नहीं देखें मैंने ये नहीं कहा था कि कमज़ोर है ऐसा मैंने कहा था कि दो तरीक़ों के होते हैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक होता है कि आप बैठ कर नेगोशिएट करें डिस्कस करें और दूसरा होता है कि आप सीधा आप एक कानूनी तौर पर करें 2004 में भी आपको याद होगा इंडिया नहीं खेल रहा था पाकिस्तान में मैं ICC का प्रेसिडेंट था उस वक्त मैंने जाके इंडिया में बैठा मैंने उनसे समझा कि उनके क्या कंसर्न्स थे उनकी गवर्नमेंट से बात किया उनके खिलाड़ियों उनके बोर्ड वालों से बात की और इवेंचुअली मैं क्योंकि रेगुलर जाके उनसे मिलता था उन्होंने मुझे कहा कि जी हमें एक साल दें हम इसको इंटरनली हमें ये करना पड़ेगा जस्ट हमें थोड़ा सा टाइम दें मैं साल के बाद वापस पहुँच गया और उसके बाद इंडिया आ गया यहाँ तो ये होती हैं बातें रिलेशनशिप्स बिल्ड करके ट्रस्ट बिल्ड करके ट्रेडिशनली जो इंडिया और पाकिस्तान बोर्ड हैं आपको याद होगा दालमिया साहब के टाइम में बिंद्रा के टाइम में बड़े क्लोज होते थे हम लोग और हमारी तरफ से ऐसे लोग थे जैसे जनरल तौकीर हुए खालिद महमूद हुए आरिफ अब्बासी ने बड़ा रोल प्ले किया था इनमें ये लोग इनका एक वो रिलेशनशिप था इंडियन बोर्ड वालों से वो दोस्त बन गए थे तो जब आप किसी के दोस्त बन जाते हैं तो फिर ये आप लड़ाई झगड़े नहीं करते ये मैं आपको इस हद तक बताऊं कि जब मैं गया था इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से मिलने बात करने के लिए तो मेरे साथ दालमिया साहब और राज सिंह डोंगा पर साथ गए थे और वो मुझसे ज़्यादा पुश कर रहे थे अपने गवर्नमेंट को कि हमने खेलना है इनके खिलाफ तो ये रिलेशनशिप्स हमने इंशाल्लाह दोबारा बिल्ड करनी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी इस पर बहुत बड़ा कदम लिया है सिंधु को यहाँ बुलाया था उनका जो मैसेज है इंडिया को कि आप एक कदम आगे लें हम आपकी तरफ दो कदम आएंगे वो क्रिकेट में भी होगा इंशाल्लाह एज आई सेड कि मेरा ये पहला दिन है ये मैं PSL का स्ट्रक्चर समझ लूँ जहाँ तक मुझे जो समझ आई है PSL बिल्कुल PCB का हिस्सा है
جس طرح پی سی بی قائد اعظم ٹرافی چلاتی ہے وہ یہ پی ایس ایل بھی چلا رہی ہے تو جو پی سی بی کے چیئرمین ہیں وہ آٹومیٹکلی پی ایس ایل کے بھی چیئرمین بن جاتے ہیں مگر یہ جو گورننس سٹرکچر ہے اس کو میں دیکھوں گا دوبارہ ہمارے پاس بورڈ پر فارچونیٹ ایسے لوگ ہیں جو اس کو بڑے کرٹیکلی دیکھ سکتے ہیں اگر اس میں امپروومنٹ کر سکیں کریں گے مگر مین تھنگ اس کی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کانٹریکٹس میں ڈیلز میں کہ بالکل ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کہ کوئی چھپی بات نہیں ہو مجھے آج بتایا گیا کہ پی ایس ایل 102 کے آڈٹ ہو چکے ہیں اس میں یہ ضرور ہے کہ کچھ جو آڈیٹر جنرل نے بھی کیے ہیں اور ہم ڈیلوائٹس جو پی سی بی کے آڈیٹرز ہیں ان نے بھی کیے آڈیٹ سب نے دیکھے ہیں جو گورنمنٹ آڈیٹرز نے کیے ان کے پاس اچھی خاصی لسٹ ہے آبجیکشنس کی وہ میں نے مجھے ابھی تک موقع نہیں ملا دیکھنے کے لیے مگر وہ ہم سب دیکھیں گے اور میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ود ان منتھس پی سی بی کے پچھلے 3 سال کے اکاؤنٹس ہماری ویب سائٹ پر ہوں گے کہ آپ لوگ دیکھ سکیں اور آپ اس کو دیکھ کے سوال کریں گے پھر کہ وہاں سے کوئی چھپی چیز نہیں ہونی اوکے یہ میرا بالکل انڈر ٹیکنگ ہے ایک وعدہ ہے آپ لوگوں سے کہ ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے کیوں نہیں تو مجھے آپ کا ٹرسٹ نہیں ہوگا بورڈ میں جب تک ہم یہ نہ کریں جی اگر ضرورت پڑی تو ہوگا مگر اس کے پی ایس ایل میں اگر پی ایس ایل کا ایک تو نارمل کورس میں ڈیلوائٹس نے کیا آڈٹ ایک اٹارنی جنرل وہ آڈیٹر جنرل کے آفس سے ہوا ہے اس کو مد اس کو آگے رکھ کے اس کی مد نظر رکھ کے اس کو دیکھ کے سمجھ کر اگر کوئی ایریاز ہیں شاید یہ نہ شاید سارے آڈیٹ کی ضرورت نہیں پڑے مگر اگر کسی کانٹریکٹ کو دیکھنا پڑے یا کسی اگریمنٹ کو دیکھنا پڑے تو دیکھیں گے نہیں میں نے اس پہ پہلے بات کی تھی سہیل صاحب ہمیں یہ بھول جائیں کہ